आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको ये ब्लू हेवन के स्टैक इन स्ले लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल, वेलकम बैक टू अवर चैनल डीसी गुड लाइफ। हाय गाइस, आई एम दीपा, मेकअप आर्टिस्ट अनएजुकेटेड, और आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ रिव्यू इन न्यू लॉन्चेस का जो कि ब्लू हेवन से। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन मेक श्योर दैट अगर आप चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ऐसे अमेजिंग कंटेंट के लिए, एंड अगर वीडियो पसंद आती तो लाइक जरूर कीजिएगा। एंड नाउ विदाउट फर्दर डू, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं इन टाइनी मिनी आउटर पैकेजिंग की, एंड देन वी विल मूव ऑन टू द इनर पैकेज। सो द आउटर पैकेजिंग लुक लाइक दिस। ये बेसिकली एक कार्डबोर्ड पैकेजिंग है, ये पिंक कलर है, यहाँ पे ब्लू हेवन की ब्रांडिंग मेंशन है, यहाँ पे स्टैक एंड स्ले लिखा हुआ है, एंड यहाँ पे लिखा है मल्टी स्टिक ट्रायो कॉन्टूर ब्लश एंड हाईलाइट, एंड जो भी स्किन केयर इंग्रेडिएंट्स है वो यहाँ पे मेंशन्ड है। जब आप इस साइड टर्न करेंगे तो यहाँ पे ये क्लेम करते हैं कि ये मॉइस्चराइज एंड नरिश करेगा आपकी स्किन को ये प्रोडक्ट, एंड ये ऑल्सो हेल्प करेगा आपको स्किन एजनिंग फाइट करने में। एंड यहाँ पे इसमें लिखा है दिस इज क्रीमी बटर सॉफ्ट फॉर्मूला, और यहाँ पे लिखा है ऑल योर मेकअप एसेंशियल्स इन वन स्टैक, एंड एक्सपायरी डेट मेंशन्ड है एंड शेड नेम मेंशन्ड है। एंड ऑल्सो गाइस, इसकी MRP है 350 rupees, यानी कि 350 rupees, लेकिन आप इसे किसी भी वेबसाइट पे डिस्काउंट पे पा सकते हैं। सो गाइस, दैट वाज ऑल अबाउट द आउटर पैकेजिंग, एंड नाउ लेट्स क्विकली मूव ऑन टू द इनर पैकेजिंग ऑफ दिस प्रोडक्ट। अगर हम बात करें इनर पैकेजिंग की, तो इनर पैकेजिंग इस टाइप से लगती है जहाँ पे लिखा है ब्लू हेवन स्टैक एंड स्ले, एंड जब आप इसे ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको एक मिरर भी मिलेगा जिसमें आप मेरा कैमरा देख पाएंगे, एंड यहाँ पे एक कॉन्टूर स्टिक है, एंड यहाँ पे एक ब्लश है। तो इस तरह से ये हाइलाइटर, ये ब्लश एंड ये कॉन्टोर, अगर आप इसे बंद करेंगे तो ऐसे से बंद करेंगे, बड़े स्टाइल से बंद होगा ये। एंड जब आप टर्न बैक करेंगे यहाँ पे MRP, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट एंड बेसिकली शेड नेम मेंशन है। अगर आप आउटर पैकेजिंग नहीं भी रखते तो भी आप इनर पैकेजिंग पे शेड नेम वगैरह सब चेक कर सकते हैं, लाइक मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट, और दिस इज मेड इन इंडिया प्रोडक्ट, यानी कि इंडिया में बना हुआ है। Now let's move on to the swatches of these products. फटाफट से आप इन प्रोडक्ट्स का डेमो भी देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे दोनों शेड लिए एंड उन्हें दोनों मिक्स एंड मैच किया है दोनों शेड को, एंड देन एफ ओ एज ए ब्लशर अप्लाई किया है। उसके बाद मैंने कॉन्टोरिंग के लिए जो रॉयल डीप का जो कॉन्टोर शेड है वो लिया है, एंड देन ब्लेंड किया, एंड देन उसके बाद मैंने जो शेड नंबर 1 है उसका शेड लिया और ब्लेंड किया। सो गाइस, ये था डेमो इन प्रोडक्ट्स का। अब बात करते हैं हमें कि ये आपके लिए प्रोडक्ट पैसा वसूल है या नहीं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी प्राइसिंग की, तो प्राइसिंग तो है रिटेन करता है 350 का, लेकिन आप और मैं इनफैक्ट के सब लोग जानते हैं कि ब्लू हेवन पे डिस्काउंट चलते ही रहते हैं, इनफैक्ट 40% तक डिस्काउंट चलता रहता है, तो ये आपको अच्छे खासे डिस्काउंट में मिल जाएगा। तो प्राइस वाइज तो अगर आपको तीनों प्रोडक्ट लाइक ब्लशर, हाईलाइटर और कॉन्टोर आपको तीनों क्रीम फॉर्म में चाहिए, वेल इन दैट केस ये प्रोडक्ट आपके लिए पैसा वसूल हो, क्योंकि आप ये वीडियो आखिरी तक देख रहे हैं। कम्स द टाइम फॉर द टिप ऑफ दिस वीडियो। ऐसे अगर आप उनमें से जिनको ये तीनों ही शीट्स अच्छे लग रहे हैं और डेफिनेटली इसको ट्राई करने का पूरा मन बना लिया है, तो मेक श्योर दैट आप एक बार जरूर ध्यान रखिएगा। बस जैसे जैसे गर्मियों का सीजन आएगा आप लोग को वैसे ही पाउडर प्रोडक्ट्स की तरफ शिफ्ट होना पड़ेगा, तो इसलिए अगर आप उनमें से हो जो ये बाय करने का सोच रहे हैं तो सोच समझ के बाय करिएगा। So guys, that was all about my honest review of these product. I hope guys आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, and वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करना। I'll see you on next video. Bye.